मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को धौंस दिखाने का मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति हंगामा करते हुए देखा गया था, जो अपने आप को सीएम शिवराज सिंह का जीजा और सीएम को अपना साला बता रहा था। मध्य प्रदेश का मुखिया चौहान क्या हुआ? हर कोई चौहान अपनी दादागिरी बताने में लगा हुआ है। रायसेन के मंडीदीप में चौहान समाज के 59 वर्षीय आरोपी शिक्षक पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। दरअसल रायसेन मंडीदीप के पटेल नगर के शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा के साथ स्कूल के उच्च श्रेणी के शिक्षक छोटेलाल चौहान पर यह आरोप है कि उसने अकेले में स्कूल में छात्रा से अश्लील बातें और छेड़खानी की। शिक्षक पर छेड़खानी और अश्लील बातें करने का आरोप है। उसका नाम छोटेलाल चौहान है, जिसकी उम्र लगभग 59 साल है। छात्रा ने घटना की सारी बात घर में बताई तो परिजन बच्ची को साथ लेकर स्कूल पहुंचे और स्कूल के समस्त स्टाफ से शिक्षक के द्वारा छात्रा से की गई अश्लील हरकत के बारे में बताया। वहीं माध्यमिक शाला की प्रभारी राजकुमारी अग्रवाल ने शिक्षक की हरकत पर नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें, यह शिक्षक अपने आप को सीएम शिवराज सिंह चौहान का जीजा बताते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख के कारण यह मामला थाने तक नहीं पहुंचने दिया गया और स्कूल में ही मामले को रफा दफा करवा दिया गया। अब देखना यह है कि मीडिया में इस पूरे मामले के आने के बाद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस आरोपी शिक्षक पर क्या कार्रवाई करते हैं।